मैं इंडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं आशीष जहांगीर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अधिक लोचदार मांग। कौन सा टॉपिक? अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग क्या होता है? क्या हमारे पास अगर कोई वस्तु है, क्या है, कोई भी एक ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत में अगर अनुपातिक चेंजेस आते हैं, क्या होते हैं, अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में, उस वस्तु की मांग मात्रा में भी क्या होगा, उसके फलस्वरूप ही अनुपातिक चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है। उसी को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आइए, हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, मान लो, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी और प्राइस दे रखी है, ठीक है। जैसे ही, जैसे अभी हमारे पास वस्तु की क्या है, प्राइस है, जितनी प्राइस है उसी अनुपात में उसकी उतनी ही क्वांटिटी है, जितनी प्राइस है उतनी ही क्वांटिटी है। जैसे ही अगर प्राइस बढ़ती है वस्तु की, क्या बढ़ती है, प्राइस, उसी अनुपात में उसकी क्या बढ़ेगी, क्वांटिटी, क्या बढ़ती है, क्वांटिटी। ये ही वक्र क्या कहलाता है, अधिक लोचदार मांग। क्या कहलाता है, अधिक लोचदार मांग, ईपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस ईपी को व्यक्त किया जाता है ग्रेटर देन वन। किसमें व्यक्त किया जाता है, ग्रेटर देन वन। ये तो हमारे लिए कहलाएगा चेंज इन प्राइस। पहले प्राइस क्या थी, बढ़कर क्या हो गई, ठीक है, पहले क्वांटिटी कितनी थी, अब क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई, वो चलाता है डेल्टा पी और डेल्टा क्यू। डेल्टा पी को हम बोल सकते हैं चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू को हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी। ये चीज हमारे लिए कहलाता है अधिक लोचदार मांग, ठीक है। यहां तक अगर जो भी कीमत में परिवर्तन होता है उसी के अनुसार, उसी अनुपात में उसकी मांग मात्रा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। थैंक यू, एंड हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगेन थैंक यू।